तो देखिए, एक तरफ विपक्ष एकजुटता दिखाने की कोशिश में है, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी विपक्षी सांसदों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए हैं, और दूसरी तरफ राज्यसभा में हंगामा हो रहा है। Partnership which aims to accelerate the development of sustainable global critical energy mineral supply. 2. Under the Defence Industrial Cooperation Roadmap, the defence industries and startups of both countries announced their intent to engage in co-production and other activities. A US company, GE Aerospace, announced that they would manufacture jet engines in India. Signed the Artemis Accord with the U.S. National Aeronautics and Space Administration for cooperation in civil exploration of outer space for peaceful purposes. NASA and ISRO announced that they would cooperate in human space flight and launch a joint effort to the International Space Station in 2024. Both countries resolved 6 outstanding bilateral trade disputes in WTO. And I stress, Chairman Sir, that this is very, very extraordinary, through mutually agreed solutions. They agreed to strengthen collaboration between the respective SMEs and boost innovation linkages. 5, in the semiconductor domain, 3 US companies made announcements for building a semiconductor assembly and test facility in India. देखिए, राज्यसभा में भारी हंगामा हो रहा है और विपक्ष लगातार मणिपुर हिंसा को लेकर के सरकार को घेरने की कोशिश में लगा हुआ है। विपक्षी एकजुटता की तस्वीर भी आप देख सकते हैं। सभी सांसद आज काले कपड़े पहन करके सदन की कार्यवाही में शामिल हो रहे हैं। इधर एक और बड़ी खबर, ये लोकसभा में हंगामे पर स्पीकर ओम बिरला ने क्या कहा है, आपको एक बार फिर से सुनाते हैं। जिस तरीके का आचरण कर रहे हैं वह हमारे लोकतंत्र के लिए शोभा नहीं देता। मैं आप सबसे पुनः आग्रह करता हूं कि सदन की गरिमा, मर्यादा, उच्च परंपराएं बनाने हम सबकी जिम्मेदारी है। हम सबको लोगों ने चुनकर इसलिए भेजा है कि उनके अभाव, उनकी अभिव्यक्ति, उनकी भावनाओं को सदन में रखें। आप यहां नारेबाजी करते हैं, प्ले कार्ड लगाते हैं, माननीय मंत्री जी के आगे प्ले कार्ड लगाते हैं, कोई माननीय सदस्य बेल में आकर स्पीकर से चर्चा करना चाहते हैं, ये तरीका उचित नहीं है और ये संसदीय परंपराओं के अनुरूप भी नहीं है। अगर आप इस संसदीय परंपराओं को जो श्रेष्ठ रही है उसके आचरण के कारण पूरा देश देख रहा है, आप कहां ले जाना चाहते हैं? अच्छी चर्चा करो, संवाद करो। मैं हर मुद्दे पर आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त मौका दूंगा, लेकिन यह परंपराएं उचित नहीं है। यह आपका व्यवहार संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, आप क्या क्या व्यवहार कर रहे हैं? यहां पर पूरा देश आपको देख रहा है। अगर आप इसी तरीके का व्यवहार करेंगे, आचरण करेंगे, तो मैं सदन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को आपने सुना। आमोद हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए। आमोद, इतना हंगामा हो रहा था लोकसभा के भीतर सांसदों की ओर से कि बार बार स्पीकर कह रहे थे कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा, शांत हो जाइए, कम से कम काम तो सुचारू रूप से चलने दीजिए, लेकिन कोई भी मान नहीं रहा था, बार बार शोर शराबा हो रहा था। अब तो नो कॉन्फिडेंस मोशन को एक्सेप्ट करते हुए ये भी बात साफ हो गई है कि समय और तारीख जल्द तय करेंगे, उसके बाद भी इतना बवाल। लौट रहे आमोद आपके पास, एक बार फिर से राज्यसभा में भारी हंगामा हो रहा है, तस्वीरें दिखाते हैं।
विपक्ष Better in the outreach session of the G7 summit on 20 May 2023. He held interaction with the president of तो देखिए राज्यसभा की कार्यवाही की ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन ऑपोजिशन का विरोध लगातार जारी रहा। ऑपोजिशन हंगामा करता रहा और उसके बाद एनडीए के तमाम सांसदों ने, बीजेपी के तमाम सांसदों ने मोदी मोदी के नारे लगाए और जवाब में विपक्षी सांसदों ने इंडिया इंडिया के नारे लगाए। Students and explore the global world. During his stay, Prime Minister interacted with prominent public figures, participated in a business roundtable with Australian CEOs, and addressed the Indian community in Sydney. He joined his Australian counterpart to lay the foundation of the Little India Gateway at Harris Park, Sydney. Prime Minister also announced our intention to establish a new consulate in Brisbane, which will definitely help. Our eyes in Australia.